बेटा, मैंने आपको बताया था डिक्लाइनेशन। अब इसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो देखते हैं। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड, ध्यान से देखना। एक तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को आप लिखते हो थीटा डिग्री ईस्ट या थीटा डिग्री वेस्ट, ये दो चीजें ध्यान रखना। अब थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट का ये मतलब होता है, जैसे ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, दिस इज अ ज्योग्राफिकल एक्सिस, और अगर मैग्नेटिक एक्सिस इस तरफ आए तो ये ईस्ट की तरफ है, तो हम लिखेंगे थीटा डिग्री ईस्ट, और अगर मैग्नेटिक एक्सिस इस तरफ आए तो हम लिखेंगे थीटा डिग्री वेस्ट, क्योंकि एक्सिस आपको पता ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होती है। अगर मेरी मैग्नेट इधर आती है तो ईस्ट की तरफ जा रही है ना, देखो ईस्ट की तरफ, तो मैं लिखूंगा थीटा डिग्री ईस्ट, और अगर मेरी मैग्नेट इधर जा रही है तो मैं लिखूंगा थीटा डिग्री वेस्ट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट? यस नो बोला करो बेटा, रिस्पॉन्स दिया करो। यस सर। अब मैं उस न्यूमेरिकल पे आता हूँ, जो न्यूमेरिकल जैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर। सपोज करो आपको मैं ये कह देता हूँ कि एक प्लेस है जहां का एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है 7 डिग्री वेस्ट, ऐसे आपको दे देंगे 7 डिग्री वेस्ट, और आप शिप में हो तो आप एक सर्कल बना लिया करो, ये अर्थ नहीं बना रहा हूं, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, जहां पर भी आप हो उसको आप अपने आप को सेंटर पे ले आओ, कि आपका शिप सेंटर पे है, पानी में है, पानी की किस जगह पे है, और आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, सिर्फ आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि इस जगह का एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 7 डिग्री वेस्ट है, और दूसरा आपको पहुंचना है यहाँ पर। ये तो मैंने यहाँ निशान लगा दिया, बट आपको नहीं पता कि आप तो कहाँ पहुंच गए, इस पेपर पे तो पता है कि इधर पहुंचना है, ये एंगल आपको दे देते हैं हम 40 डिग्री, तो आपको कहाँ पहुंचना है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ पहुंचना है, बस एक समझे समझ लोगे तो इस तरह के सारे न्यूमेरिकल होते हैं। ये भी आपको स्टेटमेंट में कहा जाएगा कि you have to reach 40 degree east of north and angle of declination is 7 degree west। अब जब आप शिप पे होते हो, शिप में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है कंपास, वो इस तरफ आ रहा होगा तभी वेस्ट है ना ये 7 degree west। 7 degree west क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो शिप पे लगा हुआ मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, डार्क पार्ट नॉर्थ एंड को शो करता है, तो हम पहले से ही 7 डिग्री इस एक्सिस से इधर है वेस्ट की तरफ है, और हमें कहाँ पहुंचना है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो शिप को कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा कि हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, बताओ आप ही बताओ। बाय व्हाट एंगल ship should be rotated so that we can reach to our destination? Answer is, यहां से 7 डिग्री इधर थे, 40 डिग्री जाना है, तो ये एंगल कितना हो गया 47 डिग्री, तो मेरा आंसर क्या होगा, we have to turn 47 डिग्री east of north, we have to 47 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ विद रेस्पेक्ट टू कंपास निडल, ये कंपास निडल या मैग्नेट, विद रेस्पेक्ट टू कंपास निडल, दिस इज अवर आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको थीटा 7 डिग्री ईस्ट दे देता तो क्या करते, वो आंसर क्या,
अगर थीटा यहाँ 7 डिग्री ईस्ट होता तो इसका ये मतलब होता कि हमारी कंपास पहले से ही इधर है, पहले से ही 7 डिग्री ईस्ट है और मुझे पहुंचना है 40 डिग्री ईस्ट, तो मेरा आंसर आएगा 33 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या ये क्लियर हो गया क्या? यस सर। ये क्लियर है बेटा, तो इससे ऐसे ही आपको क्वेश्चन आने वाले, इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल आने वाला है। वो अब क्या आएगा, यहाँ 10 डिग्री हो जाए, 15 हो जाए, डेस्टिनेशन चेंज हो जाए, वो आपने सोचना है। बस आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद उसमें अपनी एक्सिस बना लेनी है, जो थीटा डिग्री दिया उधर कंपास बना लो, फिर देख लो कि आपको कहाँ पहुंचना है। हो सकता है आपको यहाँ पहुंचना हो ईस्ट पे, तो 90 डिग्री तो ये है, 7 ये था, तो आपका आंसर आएगा 97 डिग्री टर्न लेना पड़ेगा। वो अब आपको एनालाइज कर लेना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्या ये समझ में आया, आगे बढ़े या अभी और डिस्कस करना इस पे? बोलो चिराग नवदीप, समझ में आया बेटा ये? यस सर। यस सर। दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, सेकंड एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एलिमेंट का नाम है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये कह सकते हैं, या एंगल ऑफ डिप, DIP, एंगल ऑफ डिप। अब ये क्या हुआ, एक मैं प्लेन बना रहा हूं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एक प्लेन होगा, हर प्लेस पे एक प्लेन बनेगा, इसके अंदर ही मैग्नेट जो आप सस्पेंड करोगे ना मैग्नेट, वो इसी प्लेन में आएगी, इसी प्लेन के अंदर। ये मान लो इसका नॉर्थ, हमेशा मैग्नेट एक प्लेन में आके रुकेगी, उस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, पहले भी बताया मेरिडियन। अब किसी भी रूम में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक ऐसा प्लेन बनेगा, प्लेन टू डायमेंशनल, जिसके अंदर मैग्नेट आके स्टे करेगा, ऑलवेज स्टे करेगा। तो इट मींस किस तरफ अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करेगा, तो इस डायरेक्शन में अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ई मैं किसके लिए ले रहा हूं, नेट या टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये वाला मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा। तो एक ऐसा प्लेन जिसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा और एक वर्टिकल पार्ट होगा, और एक एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ टिप। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ टिप। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ टिप, तो क्या आंसर देंगे आप, इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ नेट मैग्नेटिज्म विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज द एंगल विच अर्थ मैग्नेटिज्म मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो आपको पता है बी कॉस डेल्टा ही बनने वाला है, वेक्टर में सबने पढ़ा हुआ है, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि आपके पास बनने वाला है बी साइन डेल्टा, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकेंड इज वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा, इज इट क्लियर? इनको
स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो बी स्केयर किसके इक्वल आएगा, एच स्केयर प्लस बी स्केयर, और डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट डेल्टा किसके इक्वल आएगा, वी बाय एच। ये भी आपको हेल्प कर सकता है न्यूमेरिकल के। रिपीट कर रहा हूं, एंगल ऑफ डिक हर प्लेस में अलग अलग हो, हर प्लेस में इसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है। 0 डिग्री आप याद रखना, 0 डिग्री वैल्यू आपको मिलेगी एट इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर पर। ये मत पूछना इक्वेटर क्या, जैसे ये वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, अर्थ को बीच में से दो हिस्से में डिवाइड कर, और ये वाली होती है पोलर एक्सिस। तो पोल्स के ऊपर 90 डिग्री होगा, इक्वेटर पे 0 डिग्री, ये वैल्यू याद रखना। बाकी किसी भी प्लेस पर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्लेस पर इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो ठीक, डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वेरी करेगी। अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेरिवेशन तो देखो आएगा नहीं, बट मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। कि अभी मैंने कहा था कि एक प्लेन जिसको आप बोलते हो मैग्नेटिक मेरिडियन, लेकिन इसके अलावा कोई और भी प्लेन होगा ना, वो मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होगा, वो कोई और ही प्लेन होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये वाला कोई भी प्लेन है, एनी प्लेन, और इनके बीच में कोई एंगल है थीटा। ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन नहीं है, ध्यान रखना, जनरल इक्वेशन मैंने लिए, इनके बीच में एक एंगल है थीटा। जैसे ही मैं मैग्नेट को इस प्लेन में रखता हूं, तो वो जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ टिप। लेकिन अगर मैं गलती से ये वाला प्लेन लेके मैग्नेट को उसमें ले जाता हूं, वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ टिप नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे एपेरेंट टिप। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक होता है एक्चुअल टिप, एक होता है एपेरेंट टिप। एक्चुअल डिप वो एंगल ऑफ डिप है जो मैग्नेटिक मेरिडियन में मिलेगा, और एपरेंट डिप वो एंगल है जो किसी ऐसे प्लेन में मिलेगा जो मेरिडियन नहीं है बस। तो बाई चांस अगर हम गलत प्लेन में चले गए, वहां पर हमने एंगल मेजर किया, तो उसको फिर हम एंगल ऑफ डिप नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एपरेंट डिप। एपरेंट, एपरेंट का मतलब जो हमें अपियर हो रहा है, और अगर हम एक्चुअल मेरिडियन में गए तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल डिप। यहां मैं एक रिलेशन सेटअप करूंगा, डेल्टा, डेल्टा डैश और दोनों प्लेन के बीच में एंगल, इनके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, और उसी से आपको 101% एक न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, कि या तो वो रिलेशन ही पूछ लेंगे आपसे या फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मैं दोबारा से डायग्राम दोबारा से बनाता हूं। लेट की ये एक प्लेन है, इधर से बना देते हैं, ये इसका हॉरिजॉन्टल है और ये इसका वर्टिकल, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन भी है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जब हमने अपने कंपास को इधर किया, तो ये जो एंगल आया वो एंगल एक्चुअल डिप था, जिसका रिलेशन मैंने अभी आपको बताया कि टेंजेंट डेल्टा किसके इक्वल होगा, वी बाय एच। अब अगर मैं किसी ऐसे प्लेन में चला गया जो कि एक फॉल्टी मेरिडियन था, फॉल्टी एक्चुअल मेरिडियन नहीं था, फॉल्टी मेरिडियन था, तो उसका वर्टिकल तो सेम रहेगा बट उसका हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो जो मेरे पास अब डिप आएगा वो क्या आएगा, v बाय एच डैश। यस और नो?
v बाय एच डैश आएगा ना, क्योंकि v बाय एच आना है. इस प्लेन का h कुछ और होगा बिकॉज ये एक्चुअल मेरिडियन नहीं है, लेकिन v तो दोनों का वर्टिकल तो दोनों प्लेन का सेम है ना, तो ये क्या आएगा v बाय एच. तो ये h डैश इस h के से कैसे कंपेयर करेंगे, ये इसका एक कंपोनेंट होगा. तो h डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, h cos थीटा. वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ना, एक्चुअल में तो ये वाली वैल्यू है, ये तो है ही नहीं कुछ, ये फिर है क्या, इसका एक कंपोनेंट हमें इधर मिल जाएगा. अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो टेंजेंट डेल्टा डैश क्या बनेगा, टेंजेंट डेल्टा डैश बनेगा v बाय एच कॉस थीटा, v बाय एच कॉस थीटा ये बनेगा. और v बाय एच क्या था, टेंजेंट डेल्टा. तो अपने पास बेटा जो रिलेशन आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को आप याद कर लेना. एपरेंट डिप का, एक्चुअल डिप का और एंगल बिटवीन द प्लेन के बीच में ये रिलेशन रहेगा, टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा बाय कॉस थीटा. यहां से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये रिलेशन भी आ सकता है, सिंपल कि एपरेंट डिप, एक्चुअल डिप और एंगल बिटवीन द प्लेन कैसे रिलेटेड है. टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा एंड दूसरा क्या था इसमें बेटा, कॉस थीटा. अब न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल तो इनमें से दो वैल्यू दे देगा, वो कहेगा किसी जगह का एंगल ऑफ डिप है 45 और दो प्लेन के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो बताओ एपरेंट डिप क्या होगा. तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट डेल्टा डैश टेंजेंट 45 बाय कॉस 60 ले लेंगे. टेंजेंट 45 वन होता, कॉस 60 वन बाय टू होता, तो मेरे पास आ गया टेंजेंट डेल्टा डैश टू. आंसर ऐसे ही दिए होंगे, टेंजेंट इनवर्स टू, ये टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाता है. तो आपके बेटा आंसर इसी फॉर्म में दिया, कि ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको. यस सर. अब यहां पर एक और रिलेशन बनाऊंगा मैं, अगर अपने पास तीन प्लेन हो, दो प्लेन ऐसे जो कि फॉल्टी मेरिडियन है, ये दो प्लेन ऐसे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है और इनके बीच में हमारा मेरिडियन है, मेरिडियन कहां पर है, इनके बीच में ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ अभी, वो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैं मार्कर से इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाला तो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, बाकी दो कोई भी प्लेन है जिनके बीच में एंगल के 90. तो जब ये कोई भी प्लेन है तो इसमें डेल्टा वन मान ले, इसमें डेल्टा टू मान ले, और एक्चुअल में कितना मान ले डेल्टा, इनके बीच में क्या रिलेशन हो. मैं मान लेता हूं कि ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा. अब खुद इमेजिन करो दो प्लेन है, अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो अपने रूम की दीवारें है ना, जो उसका कॉर्नर से दो वॉल जा रही है जो 90 डिग्री पे, और बीच में आप कोई भी कॉपी रख दो जो आपका मेरिडियन हो गया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि तीन प्लेन में कैसे दिखा रहा हूं. एक प्लेन ये है, एक प्लेन इनके बीच में, तो अगर पहले और दूसरे प्लेन में 90 है तो मेरिडियन का एंगल अगर एक से थीटा होगा तो दूसरे से 90 माइनस थीटा होगा ना, होगा. जिसके साथ थीटा है उसके साथ ये वाला रिलेशन लगा दो, टेंजेंट डेल्टा वन या डेल्टा टू, डेल्टा टू के साथ थीटा लिया मैंने, टेंजेंट डेल्टा बाय कॉस थीटा, और जिसके साथ 90 माइनस थीटा है वहां पर रिलेशन बना दो, टेंजेंट डेल्टा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. अब पहली इक्वेशन से कॉस थीटा की वैल्यू अलग कर लो, टेंजेंट डेल्टा बाय टेंजेंट डेल्टा टू, टेंजेंट डेल्टा बाय टेंजेंट डेल्टा टू,
और दूसरे से साइन थीटा अलग कर लो, टेंजेंट डेल्टा बाय टेंजेंट डेल्टा वन। क्या स्केलिंग और एडिंग नहीं कर सकते? स्केलिंग और एडिंग करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा। मैथ्स वाले तो फट से कर देंगे, बट ये सारे बच्चे करें। टेंजेंट स्केयर डेल्टा, टेंजेंट स्केयर डेल्टा टू, टेंजेंट स्केयर डेल्टा, टेंजेंट स्केयर डेल्टा वन इक्वल टू वन। नीचे इस टेंजेंट स्केयर को लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं, तो रिलेशन बन गया कि वन बाय टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ कोट स्केयर डेल्टा टू, इसको लिख सकता हूँ कोट स्केयर डेल्टा वन, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा कोट स्केयर डेल्टा, वो उधर जाके क्या हो जाएगा कोट स्केयर डेल्टा, कोट स्केयर डेल्टा। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि दो इसमें एंगल है जो कि अपरेंट डिप है, और एक इसमें एंगल है जो कि एक्चुअल में डिप है। थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है, बात मैं बोल रहा हूँ सर। अब सही है, कोट स्केयर डेल्टा टू प्लस कोट स्केयर डेल्टा वन इज इक्वल टू कोट स्केयर डेल्टा। इतना समझ में आया सबको या रिपीट करूं कुछ? आगे बेटा लास्ट इसमें आता है थर्ड कंपोनेंट। मैं एक बार आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी तक जो रिलेशंस बने हैं उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन बना था। ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस जहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा बाय कॉस थीटा। और दूसरा, अगर तीन प्लेन वाली बात करें तो टेंजेंट कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा, मार्कर से सही लिखा नहीं जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा, या इसको ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है, वन बाय टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा वन, वन बाय टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा टू, वन बाय टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा। एज सच आपको क्वेश्चन ही मिल सकता है, ये रिलेशन के ऊपर ऑप्शन ही मिल जाएंगे, या फिर डेल्टा वन डेल्टा टू देके डेल्टा पूछ, वो फिर मैथमेटिक्स है, वो आपको एंगल की वैल्यूज पता होगी तो आप निकाल पाएंगे, नहीं पता होंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। लास्ट ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तीसरा एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, बी कॉस डेल्टा और बी साइन डेल्टा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आपसे पूछ लें तो वो क्या होगा, बी कॉस डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री होती है एट इक्वेटर, तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस 0 1 होता है, इक्वेटर पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो, मतलब जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0, वहां पर मैग्नेट सीधी खड़ी हो, और एट पोल्स डेल्टा 90 है, तो हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा, वर्टिकल बी के इक्वल हो जाएगा, तो पोल पे मैग्नेट ऐसे लंबी खड़ी होगी और इक्वेटर पे ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, पोल पे ऐसे होगी, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सारा का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल के बराबर ही है और वर्टिकल 0 है, और पोल के ऊपर सारा का सारा फील्ड वर्टिकल के बराबर है, हॉरिजॉन्टल 0 है, तो अब मैग्नेट मैग्नेट जो आप फ्रीली सस्पेंड करोगे वो इक्वेटर पे तो ऐसे बिल्कुल फ्लैट खड़ी होगी और पोल पे ऐसे वर्टिकल खड़ी होगी बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज योर
अर्थ मैग्नेटिज्म। एनी डाउट, किसी का भी डाउट? ये तीन एलिमेंट्स को आपने रिवाइज करना है, क्या क्या? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आप सिर्फ बुक में से ना, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, एस्सर अनोड़ा, डेफिनेशन को रीड कर लेना, फॉर्मूले जो आ रहे हैं उसके सोल्ड सोल्ड एग्जांपल ट्राई कर लेना। बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बता, पेपर में वही क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे जिसका बेसिक आप भूलोगे। फर्स्ट टाइम ले रहा है बोर्ड, बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर पेपर आएगा। आप जस्ट एक एक टर्म्स को गो थ्रू हो जाए। और मेरे पास तीन पेपर आए हुए हैं अभी फुल सिलेबस के, जो सेंट्रल स्कूल ने लिए थे अपने बच्चों के, जो हो चुका है पेपर। CBSE अलग से ले रहा है, सेंट्रल स्कूल वाले जो पेपर हैं वो मेरे पास फुल सिलेबस के पड़े हैं। या तो मैं तुम्हारे साथ वैसे शेयर कर देता हूँ, या आप उसका फुल सिलेबस टेस्ट की फॉर्म में भी दे सकते हो जब भी आप चाहें। सेकेंड एलिमेंट था एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और थर्ड एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हैरानी की बात नहीं होगी अगर क्वेश्चन ये आ गए, हाउ मैनी मैग्नेटिक एलिमेंट्स आ गया? 2, 3, 4, 5, ऐसा ऑप्शन आ जाए। तो देर आर 3 एलिमेंट्स। वाई दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स? बिकॉज दे आर, दे डिस्क्राइब द अर्थ मैग्नेटिज्म एट एनी प्लेस। वट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट एनी प्लेस। वट इज एंगल ऑफ डिप? इट इज द एंगल विच अर्थ मैग्नेटिज्म मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी प्लेस। एंड वट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? बी कॉस डेल्टा इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। Is it clear? Yes, sir. बेटा आप इस चैप्टर में ना बाकी बेसिक थ्योरी है, आपके पास कट सिलेबस है ही सबके पास, कट सिलेबस को सामने रखे, मेनली ये एलिमेंट्स थे, उसमें काफी कुछ कट किया हुआ है इस चैप्टर का, जो बचा हुआ है वो सिर्फ थ्योरी है, जैसे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरो, वो भी शायद कट ना हो, चेक कर लेना। और उसके अकॉर्डिंग आप ये छोटा सा चैप्टर है इसको सेल्फ प्रिपेयर कर लें। कल जब आप लोग क्लास में आएंगे तो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से डाउट ले। इज इट? बोलो, पढ़ लोगे इसको आज? यस सर। और जो फुल फुल सिलेबस जो टेस्ट आए हुए, पेपर्स आए हुए, वो क्या करूं मैं, शेयर करूं या आप देना चाहोगे यहाँ पे आके? शेयर कर देना। ऐसे करता हूँ मैं, एक पेपर आज शेयर करता हूँ सेल्फ के लिए, आप खुद उसको ट्राई करें, और जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मेरे से कल डिस्कस भी कर लेना। एक कल शेयर कर दूंगा, एक परसों शेयर कर, आप घर पे उसको ट्राई कर। ओके जी। ओके सर, थैंक्स, कल मिलते हैं 2-3 बजे क्लास।